लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में एक ऐसा स्कूल जहां टीसी काटने के बदले मांगा जाता है रुपए। रुपए नहीं देने पर सिर्फ हेडमास्टर की चलती है मनमानी। ये चाहे तो इनके स्कूल से बच्चे को निकलने के बाद उन बच्चों के आगे बढ़ने या बकरी चराना है, इनका भविष्य तय करते हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर ये बात सुनकर आप लोगों को हैरान जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। हम बात कर रहे हैं मध्य विद्यालय करमाही की। आज भी इस स्कूल से निकलने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। इस स्कूल से निकलने के बाद बकरी चराने को है मजबूर। यह बात हम नहीं बल्कि खुद यहाँ के निकलने के बाद बोल रहे हैं बच्चे व अभिभावक। क्या है मामला? स्कूल के हेडमास्टर दिलीप राम द्वारा टीसी काटने के नाम पर मुंह मांगा पैसा बच्चों से मांगा जा रहा है, जिसके कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सूरज और जीतू उराव ने खबर 365 न्यूज को बताया कि हम लोग दोनों ने एक साल पहले इस स्कूल में अपना पढ़ाई पूरी कर ली है। आगे नाम लिखाने के चलते जब हम लोग अपना अपना टीसी लेने के लिए मध्य विद्यालय करमाही गए तो हेडमास्टर दिलीप राम ने ये बोलकर वापस कर दिया कि पैसे लाए हो या नहीं लाए हो तो अपने पापा को भेज देना, फ्री में टीसी काट कर जेल जाना है। वही जब सूरज और जीतू के अभिभावक लखन उराव ने दिलीप राम से टीसी मांगने गए तो दिलीप राम द्वारा साफ बोला गया कि 1,000 रुपए दो नहीं तो टीसी नहीं देंगे, हमको थाना जाना है, केस लड़ना है, सो बोलकर वापस भेज दिया। वहीं लखन उराव ने बताया कि मेरा दोनों बच्चे को गलत लत लग गए हैं, कभी जुआ खेलता है तो कभी बकरी चराता है, हम गरीब है जिसके चलते पैसा नहीं दे पाए टीसी काटने के लिए, जिसके चलते मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। वहीं जब संबंध में बालूमाथ बीईओ से पूछने पर बताया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपसे जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खबर 365 न्यूज के लिए लातेहार से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम जीतू राम, पापा का नाम लखन उरा, मैं करमाही स्कूल में पढ़ रहे थे तो जब परीक्षा पास हुए तब टीसी लेने गए, तब हेड मास्टर ने बोला, हेड सर ने कि पहले 2,000 पैसा लेके आओ तब टीसी कटेगा, मेरा को थाना जेल जाना है, जे फिरम काट देंगे या बोला। तब फिर हम लोग गरीब हैं तो बोला कि पापा कि पैसा भी नहीं है, खाने पीने के पहले जुगाड़ कर लेंगे तब फिर बाद में कटा लेंगे। तब और स्कूल में अच्छा से खाना नहीं मिलता है और पढ़ाई भी नहीं होता है। हम लखन उराव हैं, पाली के रहने वाले हैं, ग्राम घुटाम तला पाली थाना बालूमाथ जिला लातेहार। हमारा दो लड़का करमाही मध्य स्कूल में मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, 8वां पास किए तो टीसी के लिए हमने भेजा तो बच्चा लोग गए टीसी के लिए तो मास्टर दिलीप राम ने बोले कि टीसी मिलेगा, जाओ तुम्हारा पापा को 2,000 पैसा लेके भेजना। तो हम गए टीसी के लिए और तब ले बोले कि पैसा ले कर आए हैं जी, तो हम बोले कि नहीं नहीं सर नहीं ले कर आए हैं। तो क्यों नहीं लाया? तो हमारे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ से ले कर आएंगे, ऐसे बोले। तो बोले कि क्या हम ऐसे पैसा से दे देंगे या हमको थाना जाना है कि किस लड़ेंगे क्या हम ये ऐसे दे देंगे टीसी, ऐसे बोल के हमको भेज दिए। गरीब आदमी होने के कारण हमने आज तक टीसी नहीं निकालने सके और इसके कारण से मेरा बच्चा लोग संग साथ में खराब हो रहा है, किसी के साथ उधर ताश खेल रहे हैं तो किसी के साथ उधर घूम रहे हैं तो बकरी चरा रहे हैं।